है दोस्तों, आज मेरे पास एक साइकिल है और इसका मैं आज फुल रिव्यू करने वाला हूँ। एक डिटेल रिव्यू होने वाला है, तो आप मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। ये एक मेरे पास साइकिल है जो कि आपको 14,000 के बजट में मिल जाएगी और ये साइकिल का नाम है अर्बन टेरेन UT 3000। तो गाइस, ये जो साइकिल है ये फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है और कहीं अवेलेबल देखने को नहीं मिलती है। तो ये साइकिल क्या आपके लिए परफेक्ट रहेगा, क्या ये साइकिल सही है या फिर नहीं है, सब कुछ आप जानेंगे इस वीडियो में। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मैं हूं नंदन, छोटे से वर्ल्ड एंड वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस साइकिल को रिव्यू करते हैं। सो दोस्तों, आइए जान लेते हैं इस साइकिल का स्पेसिफिकेशन वगैरह। तो सबसे पहले जानते हैं इसका फ्रेम जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। ये लगभग 17 इंची का फ्रेम है जो कि एलॉय का फ्रेम है और अधिकतर अल्मोनियम की बॉडी से ही बनाया गया है और साइकिल अल्मोनियम से बना है इसलिए थोड़ा सा वेट कम है। वेट की मैं बात करूँ तो 15.5 kg वेट है, इसलिए अच्छा अरेंजमेंट किया गया है इसके लिए। सो दोस्तों, यहाँ पे जो टायर देखने को मिलती है आपको, वो 27.5 inch की टायर मिल जाती है जो कि लगभग बेस्ट आइडियल साइज है। 5 feet से 6 feet हाइट लोगों के लिए बेस्ट रहेगा ये हाइट के लिए। अगर उससे ज़्यादा हाइट रहता है तो आपको यहाँ पे एक उठाने के लिए दिया गया है, इस सैडल को आप ऊपर उठा सकते हो। वो मैं आपको बाद में आऊँगा, पर मैं अभी अब आपको बताता हूँ। ये जो व्हील है इसमें, इस व्हील में आपको डबल कोटेड वाल रिम देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा आपको एक स्ट्रॉन्ग स्पोक के साथ आपको यहाँ पे एक अच्छा मजबूती देता है। अब मैं बात करता हूँ इसके गियर अरेंजमेंट की। तो इसमें आपको 21 गियर अरेंजमेंट के साथ शिमानो कंपनी की गियर मिल जाती है जो कि 7 speed आपके पीछे में देखने को मिलती है और 3 speed आपके आगे में देखने को मिलेगी। सो इसमें जो कि गियर के अरेंजमेंट की मैं बात करूँ तो गियर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्मूथ है और सही है, कोई भी फस्ता वगैरह नहीं है। मैं इसे 2 weeks से यूज कर रहा हूँ पर अभी तक मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई गियर में। काफ़ी ज़्यादा अच्छा है गियर है। अब मैं बात करता हूँ इसकी ब्रेक सी। तो आपको यहाँ पे एक आगे में ब्रेक मिल जाता है, एक रेयर में आपको दोनों साइड में आपको ब्रेक देखने को मिल जाता है, वो भी डिस्क ब्रेक है। यहाँ पे मैकेनिकल डिस्क ब्रेक देखने को मिलती है। हालांकि डिस्क ब्रेक का कोई कंपनी मेंशन नहीं है वेबसाइट पे, इसलिए मैं आपको कंपनी के बारे में नहीं बता सकता, पर जहाँ तक मैंने इसे यूज करा है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई अभी तक मेरे को। हालाँकि बरसात में थोड़ी बहुत आवाज़ करता है ब्रेक, पर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ब्रेक अच्छा से सही से लगता है, ऑल्दो सही है। अब मैं बात करता हूँ इसके सस्पेंशन की। तो आपको यहाँ पे फ्रंट में इसका सस्पेंशन देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बल्कि है और काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। मतलब एकदम MTB बाइक है, तो मतलब माउंटेन बाइक है, तो माउंटेन बाइक के लिए सस्पेंशन सही दिया गया, पर थोड़ा सा टाइट है, हालांकि हल्का सा स्मूथ होना चाहिए था, ये मेरे को थोड़ा सा डिसएडवांटेज लगा इसका। ये आप देख सकते हो स्मूथ नहीं है हल्का सा, सो इसमें आपको हल्का सा प्रॉब्लम आ सकता है। अब मैं बात करता हूँ इसकी सैडल की। तो गाइस, यहाँ पे जो सैडल मिलता है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा मेरे को लगा, हालांकि थोड़ा साइज में छोटा है, छोटा ही रहता है, पर ये कुछ ज़्यादा ही छोटा है। तो इससे बेटर रहेगा कि आप एक साइकिलिंग पैंट खरीद लें, वो जो आता है अलग से वो आपको ख़रीदना पड़ेगा ज़्यादा कम्फर्टेबल फील होने के लिए अगर आप लॉन्ग राइड पर जाते हो तो। पर ये सैडल में आपका बम दुख जाएगा यार, ठीक है, जो भी हो। यहाँ पे आपको एक क्विक रिलीज का देखने को मिलता है ऑप्शन, जो कि आप रिलीज करके आप इसे डाउन भी कर सकते हो, अप भी कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा अच्छा फंक्शन है ये आजकल सभी साइकिल में आ रहा है, तो एक अच्छी बात है जो कि अपने हाइट के हिसाब से लोग अपने एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ इसकी पैडल की। तो पैडल की क्वालिटी यार मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ पर ये फुल्ली प्लास्टिक और एलॉय में बनाया गया है और इसमें ग्रिप के लिए एक हल्का अच्छा दिया गया है, तो वो अच्छा है, फिसलेगा नहीं, सही है। सो अब मैं बात करता हूँ इसके हैंडल बार की। तो इस हैंडल बार में आपको राइट साइड में इसका बैक शिफ्टर के लिए आपको देखने को मिल जाता है और लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे फ्रंट शिफ्टर का देखने को मिल जाता है जो कि इजी थंप शिफ्टर है और काफ़ी ज़्यादा रिलीज में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, काफ़ी ज़्यादा एकदम स्पीड में रिलीज हो जाती है। और अब मैं बात करता हूँ इसकी डिज़ाइन की। तो गाइस, डिज़ाइन के मामले में ये तो यार सुपर्ब है, एक नंबर है। यहाँ पे ये जो ब्लैक और येलो में जो फिनिशिंग दिया गया वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, साइकिल को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव करता है। दोस्तों, ये जो मड गार्ड वगैरह है दोनों में आप देख सकते हो आगे और बैक में, ये मैंने अलग से परचेज करा था, ये साइकिल के साथ नहीं आता है, तो ये आपको वेबसाइट पर देखने को नहीं मिलेगी। अब मैं बात करता हूँ इस साइकिल का प्राइसिंग की। तो ये प्राइस आपको 13,999 rupees में मिल जाएगा और ये आपको सिर्फ फ्लिपकार्ट पे ही अवेलेबल है, इसका कोई और वेबसाइट वगैरह नहीं है और आपको फ्लिपकार्ट पे ही मिलेगा। ये बजट में ये साइकिल काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है, पर इसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा साइकिल है और ऐसा बात नहीं है कि साइकिल नहीं है, पर मेरे को अभी तक ये साइकिल बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप ये साइकिल ले सकते हो।
दोस्तों फ्लिपकार्ट पे इसका जो रेटिंग है 4.2 का रेटिंग दिया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा रेटिंग है। आउट ऑफ 5 में 4.2 मतलब कि बहुत ही अच्छा है। कस्टमर रिव्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैंने इसका सारा कमेंट पढ़ा था, ज़्यादा सारा रिव्यू पढ़ा था मैंने फ्लिपकार्ट पे, मेरे को रिव्यू बहुत ही अच्छा लगा। सो दोस्तों उम्मीद है आपको ये मेरा एक डिटेल रिव्यू, एक अच्छा से रिव्यू मैंने जो करा, आपको मैंने अपना जो एक्सपीरियंस शेयर करा वो आपको पसंद आया हो। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को जोरदार लाइक दे दें, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और कोई भी क्वारी हो, कुछ भी पूछना हो तो मैं आपको मिलूंगा कमेंट बॉक्स में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।